की ओर विश्व आदिवासी दिवस पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार ने आदिवासियों को बड़ी सौगात देते हुए इंदिरा वन मितान योजना का ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल वही है कि क्या इस योजना से आदिवासियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा या फिर दूसरी योजनाओं की तरह ये योजना भी कागजी साबित हो गई। क्या सरकार की इस बड़ी योजना से आदिवासी अधिकारों का संघर्ष खत्म होगा और जल जंगल जमीन के मुद्दे हल हो पाएंगे? विश्व आदिवासी दिवस के दिन इंदिरा वन मितान योजना का ऐलान कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी क्षेत्रों में अरसे से विकास की बाट जो रहे एक बड़े वर्ग की उम्मीद बांधी है। ये उम्मीद बेहतर भविष्य की है। ये उम्मीद जल जंगल और जमीन को संरक्षित रखते हुए विकास की दिशा में लंबी छलांग लगाने की है। ये उम्मीद आदिवासी युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने की है। सरकार की योजना कहती है कि इससे अनुसूचित इलाकों के 19 लाख परिवारों को जोड़ा जाएगा। 10,000 गांव में समूह गठित कर उन्हें वन प्रबंधन का पूरा अधिकार दिया जाएगा। इन समूहों के जरिए वनोपज की खरीदी, उसका प्रसंस्करण कर मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी। 85 विकास खंडों में वनोपज प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी। इसके लिए 8,50,00,000 रुपए की राशि प्राधिकरण मद से उपलब्ध कराई जाएगी। देखने सुनने और योजना के प्रारूप को समझने पर ये अनुसूचित इलाकों की बेहतरी वाली योजना लगती है, लेकिन इस योजना पर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी का सवाल यह है कि क्या अब तक सरकार की प्राथमिकताओं में ये सब नहीं था? विपक्ष के मुताबिक चुनाव के दौरान की गई घोषणाओं पर लीपा पोती की जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी के तमाम आरोपों का खंडन किया है। सत्ता पक्ष के मुताबिक भूपेश सरकार ने आदिवासी हितों का हमेशा ध्यान रखा। पिछली घोषणाएं जो चुनाव के समय में की गई थी उसमें सारी लीपापोती की जा रही, उन घोषणाओं पे अमल नहीं किया जा रहा है। मुझे लगता है कागज पे योजना बहुत अच्छी लग रही है। इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत करना निश्चित ही छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के द्वारा वनवासी क्षेत्रों के युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आरोप और प्रत्यारोप के इतर बात सिर्फ आदिवासियों की करें तो उन्हें इस बात की आस जाती है कि भूपेश सरकार की इंदिरा मितान योजना उनकी जिंदगी की मुश्किलों को खत्म कर देगी, उनके भविष्य को उज्जवल बनाएगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि आदिवासियों के उत्थान के लिए अधिकारी क्या जिम्मेदारी से काम करेंगे या तमाम योजनाओं की तरह यहाँ भी उनकी लापरवाही सरकार की इस बड़ी योजना को पलीटा लगा देगी, ये देखना भी अहम होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट।